हेलो दोस्तों, तो ये मास्क है सभी और इसके बारे में वीडियो बनाना था। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी बिक्री मेडिकल स्टोर में काफ़ी बढ़ गई है और आने वाले समय में हमें इसे काफ़ी दिनों तक यूज़ करना है। तो मास्क के बारे में वीडियो बनाना था और ये सभी मास्क मैं यूज़ कर चुका हूँ। और मास्क का काम होता है कि जो ख़राब हवा है, जो लोग खांसते हैं और छींकते हैं, तो वो उन हवाओं को हम अंदर ना ले सकें और ना ही अगर हम छींकते खांसते तो वो हवा दूसरे लोग ले दूसरे दूसरों तक पहुँचे वो हवा, क्योंकि उसमें वायरस संक्रमण फैल सकता है, उसमें वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस। और तो इन्हीं सब के लिए ये मास्क होता है कि उन सब चीज़ों को ये रोके। तो ये सभी मास्क मैं यूज़ कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से बेहतर कौन सा मास्क होगा मैं आपको बताऊँगा। ये मास्क पहला वाला है, आप देख सकते हैं, ये मास्क आपको मेडिकल स्टोर में 10 या 15 रुपए में मिलेगा। ये मास्क अच्छा नहीं है ये मास्क, क्योंकि ये देख सकते हैं आर पार दिख रहा है, ये सिर्फ जाली की तरह है, ये हवा बिल्कुल नहीं रोकता। मैंने इसे लगाया था, ये बिल्कुल भी हवा नहीं रहा। तो ये मास्क और छोटा भी है, ये आपके फेस को पूरी तरह कवर भी नहीं करेगा। तो इस ऐसे मास्क को आप ना लें, 10 या 15 रुपए मेडिकल स्टोर से मिलेगा। दूसरा है ये मास्क, ये मास्क देख सकते हैं आप, ये आपको मेडिकल स्टोर में 30, 35, 40 तक मिलेगा। ये मास्क काफ़ी अच्छा है, इसका जो कपड़ा है काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं जैसा हम कपड़ा पहनते हैं वैसा कपड़ा है। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि इसका जो इलास्टिक है वो इतना 15-20 दिन बाद वो इतना ये हो जाता है, लूज़ हो जाता है कि लटकने लगता है। तो इलास्टिक इसमें बहुत ही बेकार चीज़ है, तो ऐसे मास्क को आप ना लें, क्योंकि इसमें इलास्टिक अच्छा नहीं होता। बाकी कपड़ा तो बहुत ही अच्छा है और इसमें इलास्टिक एक गोल रबर वाली भी आती है, वैसी गोल रबर वाली, वो मज़बूत होती है, लेकिन वो कान के पीछे बहुत चुभता है, आगे जाके कान के पीछे बहुत चुभेगा आप जैसे उसे पहनेंगे। तो ऐसे मास्क को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक अच्छी नहीं होती है। तीसरा ये मास्क है, ये मास्क मैं यूज़ अभी रिसेंटली लिया हूँ, ये मेडिकल स्टोर में 30 रुपये में मिल जाएगी या उससे कम में भी आपको मिल सकती है। तो ये मास्क की सबसे अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वेलवेट टाइप है, अच्छे से हवा रोकता है, ये हवा दूसरी ओर पास नहीं होने देता, लेकिन आप सांस इसमें अच्छे से सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं वेलवेट टाइप है थोड़ा, तो हवा ये अच्छे से ब्लॉक करता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी इलास्टिक, आप देख सकते हैं चारों बॉर्डर पे सेम इलास्टिक लगी हुई है, एक ही इलास्टिक है, और ये इलास्टिक ख़राब नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की है, देख सकते हैं अपने जगह पे वापस आ जाती है। वैसी नहीं है ये, ऐसी इलास्टिक नहीं है कि ये लटक के ख़राब हो जाएगी। तो ये मास्क सबसे बेस्ट मुझे लगा और ये पूरा फेस कवर करता है, ये देखिए पूरा आपका फेस इससे कवर होता है। तो आप भी जाइए मेडिकल स्टोर में, देखिए कौन से अच्छा मास्क हो वो लीजिए, ये मेरे लिए बेहतरीन मास्क है। ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें इलास्टिक ये और गोल वाली जो रबर वाली इलास्टिक आती है गोल सी, वो कान के पीछे चुभती है और ये जो है ज़्यादा लंबी होके ख़राब हो जाती, लटकने लगती है। और इसे तो आप ना ही लें, क्योंकि बहुत छोटा है ये और हवा भी बहुत आसानी से पास होता है इसमें, तो ये सेफ़ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।